और भाई देखो यार इतना क्या मस्त कर रखे हैं इन्होंने। पानी के बीच में फोन ला गया हूँ और बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं। ओए छोटी कैरी छोड़ दो। गाइस भीड़ चेक करो यार, कितनी भीड़ बढ़ चुकी है अभी। ये देखो सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूं रोहित, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सो गाइस अभी मैं और भाई जा रहे हैं लच्छीवाला। तो जैसे कि आपको पता है यार देहरादून का फेमस स्पॉट है लच्छीवाला नहाने के लिए। जैसे इससे पिछले बार आपने देखा हम सहस्त्रधारा गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं लच्छीवाला। पैसे नहीं जा। अरे 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 दीदी नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दीदी ले जाना पड़ेगा। 500 इसमें से कितने लाने घर? इसमें 10-10 रुपए तुम्हारी चीज खाएंगे, बाकी वापस दे देंगे। तो 10 तो 100 ही का दे देते, 500 का नोट दिए। 500 इसलिए दिए हैं क्योंकि कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, है ना, इसलिए। यार ये पचे नहीं था, ये 500 का ना मार खा के ही पचेगा। तो गाइस मैं और अनमोल भाई जा रहे हैं, स्वाद बहुत मस्ती करेंगे हम। तो गाइस अभी भरवा रहे हैं तेल। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला नेचर पार्क। और ये देखो तो यहाँ पे आपको 60 रुपये पर पर्सन टिकट लेना होगा, और बाइक भी आप अंदर ले जा सकते हो, उसके 40 रुपये चार्जेस हैं। तो अभी फिलहाल जल्दी चलते हैं अंदर। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो ये है लच्छीवाला की पार्किंग। तो आप अंदर तक गाड़ी ले जा सकते हो, तो उसका पड़ेगा आपको 40 रुपये, चाहे वो कार हो या बाइक हो। तो अभी देखो भाई यहाँ पीछे, तो मतलब जहाँ पे टिकट कटेगा वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर है नहाने का। तो अभी देखो और अब चलते हैं अंदर। भाई यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त सजा रखा है इन्होंने। ये देखो भाई, देखो यार इतना क्या मस्त कर रखा है इन्होंने। और वहाँ पे देखा भी आपने, और यहाँ पे खाने की चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। और भूख लगेगी तो पहले बाहर से खा के आना जाना है। बाकी देखो भाई कितना मस्त सजा रखा है। सो गाइस यहाँ पे आप नहाने भी आ सकते हो, तो मतलब पार्क में नेचर में बैठना है तो वो भी बैठ सकते हो आप, और हमें तो ज़्यादा नहाने की तलब है। गाइस जिनको नहाने का शौक़ नहीं हो तो यहाँ पे चिल कर रहे हैं पार्क में कहीं पे छाया पे बैठ के। और हम वहाँ अभी गए थे तो वहाँ पे नहाना मना है, तो अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे नहा सकते हैं। तो पार्क है उस साइड और इस साइड है नहाने का। तो यहाँ पे देखो भाई बन टिक्की छोले कुलचे सब कुछ, और नीचे लोग नहा रहे हैं। सो अब हम भी चलते हैं। पानी मैंने आपको दिखाया था उधर पार्क में, तो वही आ रहा है घूम के यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपको लॉकर की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो आपको अपनी सामान की सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लॉकर वगैरह है नहीं।
जो नहा रहे हैं उनको देख के हम भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो अब हमारा भी मन कर रहा है जल्दी से हम जाएं पानी में। सो गाइस अभी हम नहा के बाहर आ चुके हैं तो बहुत मज़ा आया यार। और जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है वैसी ऐसी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और ये देखो जब हम आए थे तो कितने कम थे और अभी देखो पीछे, तो आपको दिखाता हूँ एक बार। कट कर देना प्लीज। तो यही है यहाँ पे सबसे अच्छा वाला, तो सबसे ज़्यादा गहरा ये है, फिर ये है, फिर वो है, फिर वो उधर, वहाँ पे लोग ऐसे ही नहाते हैं, मतलब तैरते नहीं है वो, वहाँ पे तैरने का नहीं है, तो तैरने का बस ये और ये है। अभी बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं पानी में आया, क्योंकि अगर आप तैर के फिर बाहर जाओगे तो फिर आपको ठंड लगेगी, इसीलिए फिर पानी में आना ज़रूरी है। तो आज हमने अनमोल को भी थोड़ा थोड़ा तैरना सिखा दिया है। चल चल हॉर्न दे हॉर्न आओ चला। तो भाई सब देखते हैं उल्टे में मैं कहाँ तक तैर पाता हूँ। तो इस वाले में लड़कियां नहा रही हैं और जो ये वाला है इस वाले में बॉयज़ नहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गहरा है और तैरने के लिए तो बॉयज़ को तैरना पसंद होता है, तो लड़कियां बस एक ही जगह पे नहाती हैं और कई लड़कियां यहाँ पे तैर भी रही है। अंकल लोग भी भाई मज़े ले रहे हैं, ये देखो ये शादीशुदा अंकल हैं, ये देखो काफ़ी कितने पतले अंकल हैं, स्लिम बॉडी वाले, काफ़ी स्लिम बॉडी है इन अंकल की। और ये देखो ये भी, ये देखो भाई बच्चे बहुत खतरनाक बच्चे, मन के सच्चे हो, कह रहे हैं हमें पानी में ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो गाइस देखो इसको बहुत खतरनाक यार। अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। ओए छोटी कैरी छोड़ दो। तो देखो भाई लोग अपने लिए बॉल भी लेके आ रखे हैं, तो उस साइड को नहाते हैं जिनको तैरना कम आता है, तो यहाँ पे वो आते हैं जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता है, और उस वाले में वो नहाते हैं जिनको पूरा तैरना आता है। सो गाइस देखो सब यहाँ पे कैसे चिल कर रहे हैं। देखो कैसे बैठ रहे हैं सारे लोग यहाँ पे। सो गाइस भीड़ चेक करो यार कितनी भीड़ बढ़ चुकी है अभी। तो वही यार बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, पानी के बीच में फ़ोन ला गया हूँ और बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो यार अब कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। सो गाइस यार अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हमारा चलने का टाइम हो चुका है।
सो अब चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस यार काफ़ी मज़ा आया नहा के, और अब हम जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। सो गाइस फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर, और बाय बाय बोलते अब लच्छे वाला को। तो लास्ट टाइम देख लो। तो भाई इस साइड भी बहुत भीड़ है यार, जब हम आए थे सुबह तो उस टाइम नहीं थी। देखो लोग अपनी चटाई वटाई लेके आ रखे हैं, और यहीं पे एकदम मस्त खाने पीने का है। देखो तो यहाँ पे बुड्ढे बुड्ढे लोग भी आ रखे हैं चिल करने, कि यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और नीचे देखो एक बार फिर से, इस साइड भी बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। देखो भाई यार बहुत भूख लगी थी, हमने सोचा एक प्लेट छोले कुलचे खाएंगे हम दोनों भाई, बाकी पे छोले कुलचे तैयार हो रहे हैं। और ये देखो भाई क्या मस्त ना जा रहे हैं, तो छोले कुलचे खाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं आगे।